भारत ने 16 जून रविवार को पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में सातवीं बार लगातार हरा दिया है, लेकिन विजय शंकर ने इतिहास रचकर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, जिसको 44 साल के वर्ल्ड कप इतिहास में कोई भारतीय नहीं कर पाया है और पूरी दुनिया में भी सिर्फ दो ही लोगों ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 337 रनों का माइलस्टोन रखा था, जो काफ़ी बड़ा था। और वैसे भी स्टेट्स के मुताबिक पाकिस्तान टीम ने 1999 से लेकर आज तक 270 रनों से ज़्यादा स्कोर चेस ही नहीं किया है, यानी सोने पर सुहागा। खैर, भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी की और सलामी बल्लेबाज केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतरे और गब्बर की कमी महसूस नहीं होने दी। गेंदबाजी के तो कहने ही क्या, भले ही पांचवें ओवर में भूवी के हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की वजह से उन्हें वापस पवेलियन जाना पड़ा हो, मगर दूसरे खिलाड़ियों ने भूवी की कमी को महसूस नहीं होने दिया। लेकिन इसी बीच हाल ही में भारतीय टीम का हिस्सा बने ऑलराउंडर विजय शंकर ने इतिहास रच दिया है। जी, वर्ल्ड कप में पहली गेंद डालकर विकेट लेने वाले पहले भारतीय और तीसरे ओवरऑल खिलाड़ी बन गए हैं विजय शंकर। पांचवें ओवर में भुवनेश्वर कुमार के हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया, इसके बाद वो बॉलिंग करने नहीं आए और उनके ओवर की बची दो गेंदें विजय शंकर को डालने को मिली। विजय शंकर ने पहली गेंद पर इमामुल हक को LBW आउट किया और अपना नाम इस रिकॉर्ड लिस्ट में जोड़ लिया है। इससे पहले 2007 वर्ल्ड कप में बरमूडा के मलाची जॉस ने 2007 विश्व कप में अपनी पहली गेंद पर भारतीय ओपनर रोबिन उथप्पा को और ऑस्ट्रेलिया के इयान हार्वे ने 2003 विश्व कप में पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज सलीम इलाही को पहली गेंद पर पवेलियन भेजा था। शिखर धवन की जगह भारतीय टीम का हिस्सा बने विजय शंकर ने बल्लेबाजी में भी योगदान दिया और गेंदबाजी में दो विकेट चटकाकर भारत की जीत को और आसान बना दिया और चार चांद लगा दिए। मेरा नाम है जिब्रान और आप देख रहे हैं न्यूज ग्रिल। स्पोर्ट्स से जुड़ी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।